बिलासपुर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 74 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का कल आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिला में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इन परीक्षा केंद्रों में 4 सिक्योरिटी लेयर बनाई गई है, जिसमें बटालियन, जिला पुलिस समेत सीआईडी, विजिलेंस और एसपी ऑफिस की सिक्योरिटी विंग के चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। वहीं पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के फेयर और सफल आयोजन के लिए 160 स्कूलों कॉलेजों को लेक्चरर्स की सेवाएं ले जाएगी, तो साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर 300 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जो कि डीएसपी और एसपी को अपनी रिपोर्ट देगी, ताकि लिखित परीक्षा को कोई भी प्रभावित ना कर सके। एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाद 4 लेयर में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें पहला तो ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर से जैसे ही बच्चा उतरेगा वहीं पर उसका एक इनिशियल चेकिंग होगा। उसके बाद जैसे ही वो एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पे पहुंचेगा वहां पर प्रॉपर उसकी एक फ्रिस्किंग होगी पूरी तरह से, और इस गेट के अंदर कि बच्चे को जो है केवल अपना पेन और कार्डबोर्ड के ही अलाउ किया जाएगा अंदर सेंटर में ले जाने के लिए। इसके अलावा बच्चा कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले पाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से एक और बच्चों से कहना रहेगा, खासकर जो लेडी एप्लीकेंट्स रहेंगी उनसे कहना रहेगा वो किसी प्रकार के ज्वेलरीज वगैरह डाल करके ना आए, ताकि उन्हें यहाँ आकर के किसी प्रकार की कोई असुविधा हो। इसके अलावा जो है सीआईडी एंड जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीमें जो है अपने स्तर पे इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट कर रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम को प्रभावित करने का प्रयास ना